मित्रों, सनातन धर्म में हम नदियों जल प्रदान करने वाले प्रकृति के एक तत्व में नहीं बल्कि उसे देवी के रूप में मानकर पूजते हैं। उन्हीं नदियों में गंगा नदी का विशेष धार्मिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार गंगा में स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अंतिम संस्कार के बाद गंगा नदी में ही अस्थियों को भी विसर्जित किया जाता है, पर इसके बाद भी इसका जल हमेशा शुद्ध बना रहता है। लेकिन यहाँ एक सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है कि जिस नदी में लगातार इतने सालों से हड्डियों को प्रवाहित किया जा रहा है, इस सब के बाद भी उसका जल सदैव निर्मल कैसे रहता है और उसमें विसर्जित की गई ये अस्थियाँ आखिर जाती कहाँ है? तो आइए जानते हैं मिलकर इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, कई सारी विविधताओं को अपने में समेटे हुए गंगा नदी को हिंदू धर्म शास्त्रों में अमृत के समान माना गया है और इस नदी को प्राणदायिनी कहा गया है, जिस नदी में लोग अपने धार्मिक कर्मों की पूर्ति करते हैं। गंगा का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। मित्रों, जिस नदी को हम गंगा कहते हैं वो शुरुआती दौर में अलकनंदा व भागीरथी से मिलकर बनती है। अलकनंदा की सहायक नदी धौली विष्णु गंगा तथा मंदाकिनी है और भागीरथी 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद में गौमुख नामक स्थान से निकलती है। मूलतः इसी को गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है। वहाँ गौमुख के आकार का एक कुंड है जिसमें से गंगा की धारा फूटी। हिंदुओं के पवित्र स्थानों में शामिल हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे पवित्र स्थान गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। यहाँ हर साल लाखों लोगों की अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित की जाती हैं। फिर भी इस नदी का पानी बिल्कुल पवित्र रहता है और सालों साल खराब नहीं होता। परंतु मित्रों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्विंटलों के हिसाब से इसमें प्रवाहित अस्थियों का आखिर होता क्या है? कहा जाती है प्रवाहित अस्थियाँ गंगा जल पर अध्ययन जारी है, पर अभी तक के वैज्ञानिक शोध से जो बातें पता चली हैं, उनके अनुसार गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होता है, जिससे हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस जल जंतुओं के लिए पौष्टिक आहार का काम करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से हड्डियों में गंधक यानी कि सल्फर भी मौजूद होता है जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। इसके अलावा ये मरकरी सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण करते हैं और हड्डियों में बचा बाकी कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। और मित्रों, इसके धार्मिक कारणों पर दृष्टि डालें तो पारद शिवजी का प्रतीक है और गंधक शक्ति का। सभी जीव अंततः शिव और शक्ति में ही विलीन हो जाते हैं, अर्थात अस्थियाँ उसी जल में घुल जाती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जिस जीव की अस्थियाँ जितने समय तक गंगा में रहती हैं, वह जीव उतने समय तक स्वर्ग में पूजनीय होता है। ये अस्थियाँ सीधे श्रीहरि यानी कि भगवान विष्णु जी के चरणों में चली जाती हैं। इस स्थान को बैकुंठ धाम कहा जाता है। जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा के समीप आता है, उसे मरणोपरांत मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने का प्रावधान है। और अगर आप इस बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। क्यों खराब नहीं होता गंगा जल? मित्रों, गंगा नदी के साथ जो सबसे अचंभित करने वाला तथ्य है वो ये है कि इसका जल कभी भी खराब नहीं होता। इस सवाल पर कुछ जानकारों ने बताया है कि नदी के जल में मौजूद बैक्टीरियोफेज नाम का जीवाणु होता है जो इसमें उपस्थित हानिकारक छोटे छोटे जीवों को जीवित नहीं रहने देता, अर्थात इसमें गंदगी को पनपने नहीं देता और उनको नष्ट कर देता है। यही कारण है कि गंगा का जल कभी भी खराब नहीं होता। इसीलिए आज भी हिंदू धर्म के लोग गंगा नदी के जल को घर में शीशी या फिर प्लास्टिक के डब्बे आदि में भरकर रखते हैं और धार्मिक कर्मकांडों में इसका प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी में प्रवाहित अस्थियां कहां जाती हैं और इसका जल सदैव निर्मल कैसे रहता है। पर अफसोस की बात है कि इंसान अपने फायदे के लिए इस पतित पावन गंगा को दिन प्रतिदिन प्रदूषित कर रहा है, जो धार्मिक और पर्यावरणीय दोनों ही दृष्टियों से ठीक नहीं है। इस चैनल के माध्यम से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि माँ गंगा को निर्मल ही रहने दे और उसमें गंदगी फैलाने वाले पापियों के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी ही सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए
जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ और सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दे इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।